गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मोटरसाइकिल ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड एंड हाई वोल्टेज इलेक्ट्रीशियन के बारे में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। और दूसरी बात, वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे वीडियो को डेट ज़रूर चेक करा करो और स्क्रीन पे आपको डेट शो भी हो रही होगी। दोस्तों, डेट देखो, अगर डेट दो तीन दिन पहले की है, एक दो तीन दिन पहले की है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, अगर तीन दिन पुरानी है तो फिर कांटेक्ट करके कोई मतलब नहीं है। इसके लिए मेरे भाई जो भी है ना बंदा मुझे कॉल करे, वो पहले मेरी डेट को चेक करे उसके बाद कॉल करके, फ़ायदा ही नहीं है। अगर लेट कॉल करेंगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसके लिए आप पहले डेट चेक करो उसके बाद ही कॉल करना। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पहले भी मैं ये बात बता चुका हूँ आपको किसी वीडियो में कि एक लेबर होता है और उसको मोटरसाइकिल चलाने आती है, लेकिन वो लेबर हेल्पर और इस तरह के वीज़े की तलाश करता है। तो दोस्तों, लेबर और हेल्पर क्लीनर में जाने से बेहतर है कि आप किसी ऐसे काम में जाओ जिसका आपको काम मालूम हो। जैसे आप बाइक ड्राइवर हो, मोटरसाइकिल आपको चलाने आती है, तो आप डिलीवरी बॉय में जा सकते हैं। मेरे हिसाब से लेबर में क्लीनर में जाने से बेहतर है कि आप डिलीवरी बॉय में जाओ। इसमें क्या होगा, सबसे पहला तो डिलीवरी बॉय में आपको कमीशन भी मिलता है और सैलरी भी अच्छी मिलती है और ड्यूटी टाइमिंग भी आपको मालूम नहीं पड़ती, ज़्यादा भारी नहीं पड़ता। आप ये काम ऐसा है कि आपको मस्ती करते हुए भी निकल जाएगा, वक्त पता नहीं चलेगा। इसके लिए मेरी राय है कि आप किसी और काम की तलाश में अगर हैं, हेल्पर लेबर या आपको कोई काम नहीं आता, तो आप बाइक ड्राइवर हैं या फिर बाइक चलाने आपको आती है, तो दोस्त डिलीवरी बॉय में आप जा सकते हैं। और डिलीवरी बॉय में सैलरी कम से कम आपको 1200 से 1500 रियाल तक मिलेगी, और अगर रेस्टोरेंट का डिलीवरी बॉय है तो फूड भी मिल जाता है आसानी से। तो दोस्तों, अगर आपको डिलीवरी बॉय की जानकारी चाहिए तो इस वक्त मेरे वीडियो की डेट चेक करो, और अगर तीन दिन के अंदर आप कॉल करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आप डिलीवरी बॉय में कैसे जा सकते हैं, कितनी सैलरी मिल सकती है, क्या काम मिल सकता है, सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मेरा ईमेल आईडी है और भी बहुत सारी डिटेल मैंने लिख के रखा है, वहाँ पर आप जाओ और उसको पढ़ो, पूरी डिटेल को अच्छे से पढ़ना, पढ़कर मुझे काम समझ में आए तो कॉल करो। तो दूसरा काम जो है सिक्योरिटी गार्ड का, जो मैंने आपको बताया, सिक्योरिटी गार्ड में भी आपको, अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप सिक्योरिटी गार्ड के लिए जा सकते हैं। ये काम दुबई का है और इसमें कम से कम सैलरी 1500 मिलेगी, प्लस फूड मिलेगा और बाकी अकोमोडेशन वगैरह सारी चीज़ मिलेगी, ट्रांसपोर्ट वगैरह की सुविधा भी देंगे। तो दोस्तों, अगर इसमें भी आप जाना चाहते हैं, अगर आपको कुछ काम नहीं मालूम तो आप इसमें जा सकते हैं, अगर आपकी हाइट 5.7 इंच है तो आप जा सकते हैं इसमें भी। दोस्तों, इस काम के लिए थोड़ा बहुत इंग्लिश या अरबी की मालूमात होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे आपको बात करना पड़ेगा तो आपको इंग्लिश या अरबी की मालूमात होना ज़रूरी है। तीसरा काम जो है हाई वोल्टेज इलेक्ट्रीशियन का, इसमें भी आपको 1500 रियाल सैलरी मिलेगी। वीडियो के लास्ट में मैं इलेक्ट्रीशियन की कहाँ पे आपको काम करना है, कंपनी की फ़ोटो, सारी डिटेल मैं वीडियो के लास्ट में दे देता हूँ। आप वीडियो के लास्ट में जाकर कि इलेक्ट्रीशियन का कौन सा काम रहेगा, क्या काम करना पड़ेगा, कैसा काम रहेगा, किस जगह काम करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ की फ़ोटो मैं आपको वीडियो के लास्ट में दे देता हूँ, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो में कोई बात समझ में नहीं आई हो, कोई बात पूछना है तो मेरा नंबर भी है, आप कॉमेंट भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, लेकिन कॉल मत करना, कॉल रिसीव नहीं होगी तो फिर आप परेशान हो जाओगे। सबसे बेस्ट आइडिया मैं आपको बता दूं कि आप मैसेज करो या फिर व्हाट्सअप करो, व्हाट्सअप करेंगे मैं आपको फट से जवाब दे दूंगा। तो ये थे आज की वीडियो के काम, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। हो सकता है कि इस वीडियो में आपके मतलब का कोई काम न हो सकता है आपके दोस्त यार को इसकी ज़रूरत हो, कोई ना कोई इसका फ़ायदा उठा लेगा। इसके लिए इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मेरे इसी तरह के वीडियो आते रहते हैं। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।